तो अभी फाइनली 10-12 किलोमीटर कवर करने के बाद अपन शोरूम पे तो आ गए हैं। देखते हैं आज सर्विस हो पाती नहीं हो पाती, क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ TVS के शोरूम पे। ये शोरूम का बैक हिस्सा है, फ्रंट हिस्सा आ गया ये साइड है। बैक हिस्से पे इसलिए अपन क्योंकि पीछे सर्विस सेंटर है TVS का, देख रहे हो वो सर्विस सेंटर है, और वहाँ पर अपनी बाइक सर्विस के लिए जाएगी। ये अपनी बाइक खड़ी हुई है, अपनी मधुमक्खी। आज इसकी फर्स्ट सर्विस है, देखते हैं फर्स्ट सर्विस में इस बाइक में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें चेंज होगी, क्या प्राइस अपन को देना पड़ेगा, जो भी चीज़ें होगी सब डिटेल्स आपके सामने रहेगी। आपके सामने मैं वीडियो बनाऊंगा और आप लोग देख लेना। बाकी बाद में मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा आप सभी को, सर्विस के बाद क्या क्या चीज़ें अपन को बाइक में बदली हुई मिली है। वो जो सर्विस सेंटर से बाहर जाऊँगा मैं बाइक लेके, उसके बाद अपन चलाएँगे, देखेंगे परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा है, चलने में कैसी होगी बाइक, और क्या क्या मेरे को फ़र्क लगा है बाइक को चलाने में सर्विस के बाद। तो इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त राइडर वीर जी और अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। पर अभी अपनी बाइक सर्विस कराने के लिए अंदर आ चुकी है, और अभी सबसे पहले वॉशिंग होगी। और एक बार मैं मीटर दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर सर्विस का इंडिकेटर आ रहा है, फोकस कर दूँ, यहाँ पर सर्विस का इंडिकेटर आ रहा है। 500 किलोमीटर के बाद आने लग गया था, अभी 643 अपनी बाइक चल चुकी है। ये मालू डिटेक्ट लाइट है जो कि अभी तो ऑन रहेगी, साइड स्टैंड का इंडिकेटर, तो किलोमीटर नोट कर लो और सर्विस का इंडिकेटर देख लो। सर्विस अपनी बाइक की आ चुकी है, अभी सबसे पहले बाइक की होगी वॉशिंग, और वॉशिंग होने के बाद फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो मैं आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा। अभी अपनी बाइक वॉश होकर यहाँ पे आ चुकी है, देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लग रही है यार, एकदम नई हो गई है दोबारा से। मैंने काफ़ी गंदा कर दिया था इसको, अब यहाँ पे इसका नंबर आएगा तब इसकी सर्विस होने जाएगी, तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। मैं देखो यार, सबसे अलग लग रही है बाइक, देख रहे हो आसपास में बहुत सारी बाइक्स और स्कूटर्स खड़े हुए हैं, लेकिन ये सबसे डिफरेंट लग रही है। मस्त चीज़ बनाई है TVS वालों ने। अभी अपनी बाइक का इंजन ऑयल निकाल दिया है, अब इसमें नया इंजन ऑयल डालेंगे। अभी ऑयल सारा निकल चुका है अपनी बाइक का, और जो मैकेनिक है वो इंजन ऑयल लेके आ चुके हैं। ये इंजन ऑयल है, ये कितने ग्रेड का इंजन ऑयल है? 10W30। एक सेकंड दिखा देना, ये इंजन ऑयल है, ठीक है। मैं एक बार थोड़ा फोकस करके दिखा देता हूँ, TRUV4 प्रीमियम, और यहाँ पे इसकी ग्रेड लिखी हुई है, देखिए तो ये इसकी ग्रेड हो गई। कितना लीटर डलता है क्या? 1 लीटर। और इसका जो ऑयल फिल्टर होता है वो साफ़ कर चुके हैं उसको, उसके अलावा जो एयर फिल्टर है वो अभी चेंज नहीं होगा। ऑयल फिल्टर चेंज होता है लेकिन अभी शोरूम पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ ज़्यादा जल्दी मैं सर्विस कराने ले आया था बाइक की, एक दो दिन में आ जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं ऑयल फिल्टर अलग से एक बार और चेंज करवा ले जाऊँगा। अभी तो साफ़ करके डाल दिया है, एयर फिल्टर अभी चेंज नहीं होगा, वो नेक्स्ट सर्विस के ऊपर। अब अपनी रेडर धमाल मचाने के लिए फिर से यार। अभी इसकी चैन को सेट किया जा रहा है, अभी अपनी रेडर की चैन भी सेट हो गई है, अब इसमें स्प्रे करेंगे। ये जो मैकेनिक है जो आप देख रहे हो, ये 16 साल से इस एजेंसी में यहाँ पे TVS में काम कर रहे हैं, ये तो इनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का, और मुझे काम इनसे ही करवाना था तो मैं यहाँ पे आया था सर्विस करवाने, और मैंने इसी शोरूम से बाइक ली थी। वैसे शर्मा मोटर्स TVS जयपुर में टोंक रोड पे, काफ़ी लोगों को पता हो जो यहाँ पे या फिर यहाँ पे आसपास में रहते हैं।
कोई लैंड हो रही नहीं, हो गई। तो भाई अभी बाइक सर्विस होके आ चुकी है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। बाइक बिल्कुल नई जैसी होगी, पहले जैसी दिख रही है। अभी देखो बिल्कुल नई, कोई भी दाग धब्बा स्क्रैच तो घर बाइक पे वैसे भी नहीं है, लेकिन मस्त लग रही है यार। अभी अगर आप बात करें कि क्या पेमेंट देनी पड़ी है, तो यहाँ पे ओनली 330 रुपये मुझे देने पड़े ओनली इंजन ऑयल के। इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं देनी है, सब कुछ फ्री है। इंजन ऑयल के अलावा लेबर वगैरह या छोटी मोटी चीज़ें जो कुछ हो जाती है सब फ्री है। इंजन ऑयल के रुपए मैंने दिए 330। इसके अलावा बिल थोड़ी देर बाद मुझे मिलेगा, क्योंकि अभी अपडेट नहीं हुई है बाइक। थोड़ी बहुत देर में या फिर कल सुबह तक बिल अपडेट होगा, और उसके बाद फिर मेरे को मेल कर देंगे। जैसा भी रहेगा, पेमेंट मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। 330 रुपये की कॉस्ट लगी, मुझे बताना था आपको, वो मैं बता चुका हूँ। और जो सर्विस किया वो इन्होंने किया, ये काफ़ी अच्छे मैकेनिक है। 16-17 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब से ये शोरूम यहाँ पे खुला है, सर्विस सेंटर यहाँ पे खुला है, तब से है यहाँ पे ये। तो काफ़ी पुराना शोरूम है, और यहाँ पे मैं काफ़ी बार आता हूँ कोई भी बाइक में काम वाम करवाने, तो आप आ सकते हो, मेरे को सही लगता है इसलिए मैं आता हूँ। कोई ऐसा मत समझ लेना कि भाई पेड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बाइक भी यहीं से ली थी, बस ये रिलेशन थोड़ा अच्छा है इस वजह से। इन्होंने सर्विस किया कि यहाँ पे ये सब चीज़ें देखते हैं, और ये दूसरे भाई ये भी मैकेनिक है। मेरे को लगा मिलवा दूँ आप सभी को, अगर कोई आसपास रहता है तो मिल सकते हैं। एक बार यार आप बताइए, आपको ये बाइक कैसी लगी अभी तक चला, मतलब आपने थोड़ी बहुत चला के देखी है और सर्विस भी की है इन्होंने, तो बताओ। अच्छी बाइक वैसे, मतलब आपको बढ़िया लगा? मतलब खैर बाइक के रिव्यू हर तरह से अच्छे ही निकल के आ रहे हैं, ये मैकेनिक है इसलिए मेरे को लगा कि मैं एक बार उसमें पूछ लेता हूँ। यार वीडियो में यही था, बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने भाई को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो, मस्त रहो, खुश रहो यार।